इंसान दूसरे ग्रहों पर, दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी खोजता है, जीवन खोजता है, तो वो कौन सी ऐसी एक चीज ढूंढता है जो उसको बता सकती है कि वहां पर जीवन होने की संभावना है? पानी ढूंढता है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत पानी से ही होती है और पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। इसलिए हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम अर्थ कहते हैं, वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है, यानी नीले रंग का। नीला इसलिए क्योंकि उसका 75% हिस्सा पानी, और इसलिए दूर से ये नीला नजर आता है। कितने प्रतिशत पानी पृथ्वी पर पीने लायक है? 3% पानी मीठा है, पीने लायक, बाकी का सब खारा है। अब इस 3% में से कुछ हिस्सा बर्फ के रूप में, जो पोलर कैप्स है हमारे, आइसबर्ग्स है हमारे, ये जो 3% पानी है, इसमें से 70% पानी ऐसा है जो बर्फ के रूप में। तो कुल मिला के इस धरती के सारे पानी में से 1% से भी कम हमारे इस्तेमाल के लायक है, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। इसी से हम खेती करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां बहुत कम पानी बरसता है, नदियां कम बहती हैं, कुछ में जरूरत से ज्यादा पानी होता है। हिंदुस्तान को हम वाटर एडिक्वेट देश कहते हैं, मतलब अच्छा खासा पानी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितनी जरूरत है उतना है। वंदे मातरम में हम अपने देश को सुजलाम सुफलाम कहते हैं, इट इज अ लैंड ऑफ मानसून, मल्हार का देश। दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत सारे राज्य में कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश होती है कि अक्सर हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पानी को कर कई राज्यों की सरकारें कोर्ट कचहरी में जंग लड़ रही। मुझे बताइए हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे और क्यों? पहले मैं बताना चाहूंगा कि पानी जब इस धरती पे नहीं था तो जिंदगी नहीं थी। पानी आने के बाद ही हमारे आने का किस्सा शुरू होता, जिंदगी का किस्सा शुरू। इसलिए ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पानी चला गया तो हम भी चले जाएंगे। पानी के मामले में हम लोग गरीब बिल्कुल नहीं। पानी हमको कुदरत ने इतना अच्छा दिया, हर साल दिया। एक तो यह है कि एक बार लॉटरी खुल जाए और फिर न खुले कई दिनों तक, लेकिन हर साल लॉटरी खुलती है कुदरत, पर हमारी जेब में उसको रखने की तमीज तो हमें आनी चाहिए। हमने अपनी जेब फाड़ ली है, पानी आता है चला जाता है। एक ऐसा कहते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए हैं तो करीब करीब हमारे 5 लाख गांव में और कुछ हजार छोटे बड़े शहर होंगे, इन सब में तालाब हुआ करते थे, बड़ी बड़ी झील हुआ करती थी, और उन सब में ऊपर वाला हर साल पानी देता है, वो हम लोग भर लेते थे। हर जगह का समाज उसको ठीक से रोकना जानता था, जिंदगी उसके इर्द गिर्द चलाते थे। अभी हमने वो खो दिया और हमने सोचा पानी तो कहीं से भी आ जाएगा। अगर हम अपने शहर दिल्ली की बात करें, 800 तालाब थे, आज गिनने के 5 तालाब नहीं है दिल्ली में। हमें लगा कि पानी की कोई कीमत नहीं, जमीन की कीमत, और हमने उसमें दुकान बना दी, मकान बना दिया, कुछ स्टेडियम बना दिया होगा, तालाब नहीं रहने दिया। अब दिल्ली में पानी उतना ही गिरता है जितना पहले गिरता था, पर वो पानी रुकता नहीं है, कहाँ जाएगा वो? तो बाढ़ आएगी, पानी बह के हमारे कमरों में आएगा, हमारे दफ्तरों में आएगा। तो ये हालत आज हमारे सामने है कि जमीन के नीचे जो पानी है, एक्चुअली कुदरत में आता कैसे? पानी तो सब ऊपर से आता है और वो कुछ लाख साल में नीचे जमा हुआ है। ये धरती सचमुच मिट्टी की बहुत बड़ी गुल्लक बना के दी है ऊपर वाले ने। सूरज की गर्मी से सारा ऊपर नहीं उड़ जाएगा, नीचे आपने ढक्कन लगा के सुरक्षित रख दिया। अब उसको जब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा निकाल लो इस्तेमाल करने के लिए। अभी हम सोचते हैं कि इंद्र ने जो चुटकी चलाई, हम तो एक चुटकी में पानी निकाल ले, तो हमने अपनी धरती को छेदने का काम शुरू किया, छलनी बना दिया, जगह जगह बोरिंग, ट्यूबवेल, तो नीचे का खजाना हमने खाली करना शुरू किया। अब हमारे शहरों में और गाँव में भी खेती की आ गई है, अभी ग्राउंड वाटर इतनी बुरी है, आंकड़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक अंग्रेजी में शब्द चलता है, उसको डार्क जोन कहते हैं। पहले 100-200 फीट में पानी मिल जाता था, अब वो 300-400-500 तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या खतरे हैं? शायद कुदरत ने हमको इतने नीचे जाने के लिए इजाजत नहीं दी थी कि इसके नीचे मत जाना, इसके नीचे हमने कुछ और जहरीली चीजें भी रखी हैं, शायद हमारे लिए रखी हो कि चेतावनी देने। अब हम जब उससे भी नीचे जा रहे हैं तो कहीं हमको क्लोराइड मिल रहा है, कहीं आर्सेनिक मिल रहा है पानी में, ये अलग अलग किस्म के जहर मिल रहे हैं, जहर है, तो अब वो जहर हमारे लोग पी रहे हैं और बहुत बुरा असर हो रहा है, और इसको हमारा कोई नया साइंस, कोई टेक्नोलॉजी रोक नहीं पाएगी, इसका इलाज नहीं है। पानी हमको याद दिला रहा है कि सच्चाई तो पानी की कीमत की है। जमीन की कीमत जरूर रखो, लेकिन पानी की कीमत याद रखो। पानी अब कह रहा है कि मैं जीतूंगा अगर तुम सुधरे नहीं तो।